सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट नोट्स हैविंग की लीव्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है एंड इंटीजर वैल्यू के गिवन है। द टास्क इज टू फाइंड ऑल नोट्स डेटा इन गिवन बाइनरी ट्री हैविंग एग्जैक्टली के लीव्स इन सब ट्री रूटेड विद देम। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है एंड एक इंटीजर वैल्यू के गिवन है। हमें क्या करना है, हमें ऐसे नोट्स को प्रिंट करना है या फिर मैं बोलूँ तो हमें एरे लिस्ट में रिटर्न करना है। तो हमें ऐसे नोड्स को रिटर्न करना है जिसके कि सब ट्री में के नंबर ऑफ लीव्स हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है एंड हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू के गिवन है। हमें क्या करना है, ऐसे नोड्स को रिटर्न करना है एरे लिस्ट में स्टोर करके जिनकी कि सब ट्री में जो है के नंबर ऑफ लीफ नोड्स हो। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा गाइस। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट सपोज ये ऐसा हमारे पास कुछ बाइनरी ट्री गिवन है एंड हमें क्या करना है, जिसके भी सब ट्री में, जिन नोड्स की भी सब ट्री में के नंबर ऑफ लीफ नोड्स हैं उनको हमें प्रिंट करना है। तो अगर इस केस में हम लोग देखें तो सबसे पहले इस केस में हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट हमारा क्या होगा। तो एक तो मुझे 6 वाला नोड दिख रहा है जिसके की दो लीफ नोड्स है, देन फिर मुझे दिख रहा है 2 दिख रहा है एक जिसके की सब ट्री में, क्वेश्चन में ये भी गिवन था गाइस कि उसके सब ट्री में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसी लेवल पे होना चाहिए, तो उसके सब ट्री में भी हो सकता है। तो 2 भी क्या है हमारा आंसर में आएगा। इस तरह 4 वाला नोड भी आ जाएगा क्योंकि इसका भी क्या है, दो लीफ नोड्स है इसके भी हायरार्की में। तो हमारा आउटपुट जो है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 6, 2 एंड 4, ये हमारा आउटपुट जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो लेट्स सपोज हम लोग कहाँ हैं, हम लोग रूट नोड पर हैं। तो किसी भी टाइम पर लेट सपोज मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप उस पर गौर कीजिएगा। मैं भी ये बोल रहा हूँ कि लेट सपोज अगर हम लोग 6 वाले नोड पे हैं तो 6 वाला नोड जो है एट ए टाइम क्या अपने पास रखेगा, ये दो इन्फॉर्मेशन रखेगा कि उसके लेफ्ट साइड में कितने लीफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन लेफ्ट साइड एंड नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन राइट साइड। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी टाइम पे एक नोड अपने पास दो इन्फॉर्मेशन रखेगा कि उसके लेफ्ट साइड में उसके कितने लीफ नोड्स हैं एंड उसके राइट साइड में कितने लीफ नोड्स हैं। तो इस बात को अगर आप लोगों ने गौर से सुना है तो यहाँ पे के पास क्या रहेगा, के पास 1 रहेगा लेफ्ट साइड से एंड उसके पास राइट साइड से क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो अब अगर इसी तरह मैं बोलूँ तो 8 के पास ये एल और आर की वैल्यू क्या होगी, तो 8 के पास जो है एल और आर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, इसी तरह 10 के पास भी क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू 0 होगी। लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उसके लेफ्ट साइड पे कितने लीफ नोड्स हैं एंड उस नोड के राइट साइड में कितने लीफ नोड्स हैं। ठीक है, तो 6 के पास क्या था, एक लेफ्ट साइड पे लीफ नोड थी एंड एक राइट साइड पे लीफ नोड थी। हम लोग सारे नोड्स पे क्या चेक करेंगे, हम लोग सारे नोड्स पे चेक करेंगे कि हमारा जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है एंड प्लस राइट साइड की जो वैल्यू है, अगर उन दोनों को ऐड करें, वो अगर डबल इक्वल्स टू आता है हमारे के, तब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे लिस्ट होगा उसमें हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, इसको रूट डॉट डेटा को। तो ऐसा हम लोग कुछ काम करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी नोड्स पे हमारे पास दो वैल्यूज प्रेजेंट होगी, एक लेफ्ट एंड एक राइट, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस नोड के लेफ्ट में कितने लीफ नोड्स है एंड उस पर्टिकुलर नोड के राइट में कितने लीफ नोड्स है। एंड उसको हम लोग चेक करते जाएंगे कि अगर लेफ्ट प्लस राइट जो है हमारा डबल इक्वल्स टू के है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने एरे लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग जब 16 से जब हम लोग 1 पे आएंगे, तो 1 पे लेफ्ट साइड से वैल्यू क्या है हमारे पास, इसके लेफ्ट साइड के पूरे ट्री में, इसके लेफ्ट साइड के पूरे ट्री में क्या वैल्यू है, इसके लेफ्ट साइड में पूरे ट्री में 2 वैल्यू है। अगर इसी तरह हम लोग इसके राइट साइड में देखें तो एक लीफ नोड है, तो राइट साइड से इसका 1 आ रहा है। तो हम लोग इसको यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 2+1 जो है के बराबर है, तो वो के बराबर नहीं है, डेट मीन्स हम लोग इसको एरे लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो अभी तक हमारा जो एरे लिस्ट था, अभी तक हमारे एरे लिस्ट में क्या ऐड है, सिर्फ और सिर्फ 6 ऐड है। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे थे, 1 पे थे। तो 1 वाले नोड को हम लोगों को ऐड नहीं करना है। क्यों ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसके जो है के लीव्स नहीं है, के लीफ नोड्स इसकी सब हायरार्की में नहीं है। फिर अब हम लोग अगर 0 की बात करें, तो 0 के लेफ्ट साइड से क्या आंसर आ रहा है, 0 के लेफ्ट साइड से आंसर 3 आ रहा है। क्यों 3 आ रहा है, क्योंकि ये 8 वाला नोड, ये 10 वाला नोड एंड ये 7 वाला नोड। ठीक है, अब इसके राइट साइड का हमें अभी वैल्यू पता नहीं है, तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग इन सारे नोड्स की भी वैल्यूज देख लेते हैं कि ये एरे लिस्ट में ऐड होगा या नहीं। तो सबसे पहले 5 को देखेंगे, तो 5 के लेफ्ट साइड से 0 आएगा एंड इसके राइट साइड से भी 0 आएगा एंड वो जो है के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग 5 को ऐड नहीं करेंगे। सिमिलरली 9 को भी ऐड नहीं करेंगे। अब हम लोग आएंगे 4 पे, तो 4 पे क्या वैल्यू आएगी, लेफ्ट साइड से 1 आएगा एंड राइट साइड से भी 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 के लेफ्ट में भी एक लीफ नोड है एंड 4 के राइट में भी एक लीफ नोड है। तो अभी अगर एल प्लस आर करें तो वो डबल इक्वल्स टू 2 है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अपने एरे लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने अपने एरे लिस्ट में ऐड कर लिया, यहाँ r इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब हम लोग 2 पे आते हैं,
टू पे लेफ्ट साइड से क्या वैल्यू आ रही है, वन आ रही है, एंड राइट साइड से वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। तो वन प्लस वन अभी भी टू है, तो हम लोग टू को भी ऐड कर लेंगे। अब बात करते हैं रूट नोड की। तो रूट नोड जीरो है, जीरो के लेफ्ट से क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, एंड जीरो के राइट से कितना आ जाएगा, जीरो के राइट से टू आ जाएगा। कि जीरो के लेफ्ट में जो है थ्री लीफ नोड्स है उसकी सब हायरार्की में, एंड उसके राइट के सब हायरार्की में टू लीफ नोड्स हैं, एंड टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फाइव विच इज़ नॉट इक्वल्स टू के, तो इसलिए हम लोग जीरो को ऐड नहीं करेंगे। एंड फाइनली हमारे पास एक एरे लिस्ट आ जाएगा 642 जिसमें रहेगा, तो हम लोग उसको फाइनली रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा फ्लो था गाइस। तो आपको एक क्लियर सा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा कोड लिखता हूँ, फिर कोड करने के बाद हम लोग एक और बार इसको ट्रैवर्स करेंगे, तो उससे आपको मैं समझता हूँ कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा पहले कोड लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं कि जो पब्लिक वॉइड एंड लेट से सॉल्व, जिसमें कि हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग रूट नोड पास करेंगे एंड के पास करेंगे एंड एक एरे लिस्ट पास करेंगे, जिसमें कि क्या करेंगे, हम लोग उन नोड्स को स्टोर करेंगे। तो एरे लिस्ट आंसर, तो ये हमारा सॉल्व फंक्शन बन गया। तो सबसे पहले अगर इफ़ रूट इज़ डबल इक्वल्स टू, अगर नल है तब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जीरो। अच्छा, यहाँ पे वॉइड नहीं होगी, यहाँ पे इंटीजर होगी रिटर्न टाइप, तो ये करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अपने लेफ्ट साइड में कॉल लगाएंगे एंड एज्यूम करेंगे एंड फेथ रखेंगे। क्या करते हैं हम लोग रिकर्शन में, फेथ रखते हैं कि ये जो कॉल है हमें, ये अपने लेफ्ट साइड कितने लीफ नोड्स है ये हमें ला के रिटर्न कर देगा। अगर लेट सपोज हम लोग पर्टिकुलर इंडेक्स जीरो पे हैं, तो जीरो के लेफ्ट साइड में कितने लीफ नोड्स है ये हमें ला के दे देगा, हम ये फेथ रख रहे हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व फंक्शन हो गया, इसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे कॉल लगा दिया है विद आंसर। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड पे कॉल लगा देंगे एंड हम लोग अभी भी फेथ रखेंगे कि हमारा जो ये कॉल है ये हमें राइट में जितने भी लीफ नोड्स हैं उनका काउंट जो है ला के दे देगा। तो ये हमारा एल एंड आर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि इफ़ एल प्लस आर ये अगर डबल इक्वल्स टू के है, ये अगर डबल इक्वल्स टू के है, तब क्या करेंगे हम लोग अपने एरे लिस्ट में इस डेटा को ऐड कर लेंगे। तो आंसर डॉट ऐड रूट डॉट डेटा एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, एल प्लस आर। एंड एक हमें लीफ नोड का भी चेक लगाना होगा कि अगर इफ रूट डॉट लेफ्ट नल है एंड अगर रूट डॉट राइट भी नल है, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, वन रिटर्न कर देंगे, क्योंकि लीफ नोड को हमें काउंट करना है, तो वन रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व वाला फंक्शन हो गया एंड यहाँ से हमें एरे लिस्ट रिटर्न करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक एरे लिस्ट बनाना होगा। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स से आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट एंड यहाँ पे हम लोगों को चेक करना होगा कि इफ अगर रूट जो है हमारा नल है, तो कुछ मत करो, रिटर्न कर दो एम्प्टी एरे लिस्ट को। एंड अगर रूट नल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व वाले फंक्शन को कॉल करेंगे एंड सॉल्व वाले फंक्शन में हम लोग रूट नोड को पास करेंगे, के को पास करेंगे एंड आंसर को पास करेंगे एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये एरे लिस्ट में डेटा ऐड कर दिया होगा फंक्शन कॉल के बाद, तो हम लोग यहाँ से सिंपली आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था एंड आई थिंक ये हमारा कोड हो चुका है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट जो है वो -1 आ रहा है एंड हमारा आउटपुट जो है कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर हमारे पास कोई आंसर नहीं है, अगर इफ़ आंसर डॉट साइज जो है वो ज़ीरो है, मीन्स हमारे पास कोई भी ऐसे नोट्स नहीं है जो कि अपने सब ट्री में के नंबर ऑफ लीव्स कंटेन करता हो, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अपने एरे लिस्ट में -1 ऐड करना होगा एंड देन हमें रिटर्न करना होगा। तो इस चीज़ की एरर थी, तो आई थिंक कि अब ये एरर दूर हो जाएगी। तो यस, अब हमारा जो आउटपुट है वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा कोड जो है वो सबमिट भी हो चुका है। तो अब इस कोड को मैं आपको एक बार एनालाइज करवाऊंगा। इस कोड को हम लोग एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि कोड एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। हाँ, तो ये हमारा कोड था गाइस एंड हम लोग एनालाइज करने वाले थे कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा ऐसा बाइनरी ट्री था कुछ, तो हम लोग अब इस पर देखते हैं कि हमारा फ्लो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले इस ट्री में हम लोग यहाँ पे आए, तो हमारा चेक हुआ कि अगर रूट नल है क्या, तो रूट अभी इस समय पे नल नहीं है एंड वो लीफ नोड भी नहीं है। ये चेक बेसिकली क्या कर रहा है, ये लीफ नोड का चेक कर रहा है कि हमारा जो रूट नोड है वो लीफ नोड है क्या, तो अभी लीफ नोड भी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने लेफ्ट साइड पर कॉल लगा दिया, तो वन पे कॉल लगाया। अभी भी ये सारे चेक हुए, ये दोनों चेक फेल हो गए, फिर से ये लेफ्ट पे जाएंगे, फिर से हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे। अब हमारा क्या है, एट आ रहा है। तो अब ये कौन सा केस है, ये लीफ नोड वाला केस है। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग वन रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से हम लोगों का रिटर्न हुआ वन। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से वन रिटर्न हुआ है
एंड इसी तरह अब हम लोग क्या जाएंगे, रूट इसके राइट में जाएंगे, तो इसका राइट जो है वो नल है, तो वहाँ से जीरो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सिक्स पे हैं, अब हम लोग सिक्स के राइट पे जाएंगे, तो सिक्स के राइट पे क्या है हमारे पास, 10 है, ये भी एक लीफ नोड है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, वन रिटर्न होगा। तो राइट साइड से क्या रिटर्न हुआ है, वन रिटर्न हुआ है। अब से मैं राइट आर और लेफ्ट लिखने की जगह मैं सिंपल वन वन लिख दूंगा, तो आप समझ जाना कि लेफ्ट से वन रिटर्न हुआ है, राइट से भी वन रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो सिक्स के पास क्या आ गया हम लोगों का, वन एंड वन आ गया। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या लेफ्ट प्लस राइट अगर डबल इक्वल्स टू के है, तो के क्या था हमारे पास, टू था, एंड अभी लेफ्ट से क्या आया है, वन आया है, राइट से भी वन आया है, तो के इक्वल्स टू जो है टू है, तो सिक्स वाले नोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एरे लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा एरे लिस्ट है, इसमें हम लोगों ने सिक्स वाले नोड को ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग रिटर्न टू कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने टू रिटर्न कर दिया, तो लेफ्ट साइड से टू आया। एंड अब हम लोग कहाँ जाएंगे, वन के राइट साइड में जाएंगे, तो वन के राइट साइड में सेवन है, सेवन के लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ से जीरो रिटर्न होगा, सेवन के राइट से भी जीरो रिटर्न होगा। एंड देन सेवन एक क्या है, लीफ नोड है, तो सेवन लीफ नोड है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, वन रिटर्न होगा। तो सेवन वन के राइट से, सॉरी, वन के राइट से क्या रिटर्न हुआ, वन रिटर्न हुआ। तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या टू प्लस वन जो है थ्री है, तो वो थ्री नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एरे लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। इस तरह अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अब हम लोग जीरो पे आए, जीरो से फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, राइट पे जाएंगे, फिर हम लोग लेफ्ट पे आएंगे, तो अब हम लोग कहाँ पे हैं, फाइव पे हैं। तो फाइव के राइट से एंड लेफ्ट से दोनों साइड से जीरो आएगा, एंड फाइव एक लीफ नोड है, तो यहाँ से ये क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ से वन रिटर्न करेगा। तो फोर के लेफ्ट से वन आ रहा है, एंड फोर के राइट से भी वन आएगा, क्योंकि नाइन भी एक लीफ नोड है। तो फोर वाले नोड को अब हम लोग चेक करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट जो है वो डबल इक्वल्स टू के है, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग अपने एरे लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर वाला एरे लिस्ट है, इसमें हम लोगों ने फोर को भी ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग फोर के ऊपर क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, एल प्लस आर, तो फोर से ऊपर क्या रिटर्न होगा, टू, एंड टू का जो राइट नोड है वो नल है, तो टू के राइट से क्या आएगा, जीरो। तो टू प्लस जीरो हम लोग चेक करेंगे क्या वो के इक्वल है, तो हाँ वो के इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, एरे लिस्ट में टू को ऐड कर देंगे। इस तरह अब हम लोग जीरो पे पहुंचेंगे, तो जीरो पे अगर हम लोग देखें, तो जीरो में के लेफ्ट से क्या आ रहा है, जीरो के लेफ्ट से थ्री आ रहा है, क्योंकि टू प्लस वन थ्री, एंड जीरो के राइट से क्या आ रहा है, जीरो के राइट से टू आ रहा है, टू प्लस जीरो इक्वल्स टू टू। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या थ्री प्लस टू जो है वो के इक्वल है, तो फाइव इज नॉट इक्वल्स टू के, तो अब हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा हमारा, सिक्स फोर टू। तो एरे लिस्ट में हम लोगों का 642 आ रहा है, एंड यहाँ से हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, एरे लिस्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं। एंड एक सिंपल सा हम लोग चेक और लगा ले रहे हैं कि अगर लेट सपोज हमारा एरे लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई डेटा नहीं है, उसका साइज जो है वो जीरो है, तो अगर साइज जीरो है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एरे लिस्ट में माइनस वन ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में करने को कहा गया था। तो ये सिंपल सा फ्लो था गाइस, एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्लीज़ 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 मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, एंड इट ऑल्सो मोटिवेट अस टू मेक मोर कंटेंट फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।